वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 दिसंबर 2018 और 17 दिसंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में नेपाल ने इंडिया के 200, 500 और 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल 100 रुपए तक के नोट नेपाल में अब इंडिया के चलेंगे। एक्चुअल में डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो इंडिया की करेंसी नेपाल में पड़ी हुई है उसे इंडियन गवर्नमेंट अभी तक वापस नहीं ले रही है और इस वजह से क्या हो रहा है, नेपाल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अभी तक क्या होता है कि इंडिया के लोग नेपाल में जाते हैं तो जो इंडिया की करेंसी है वो एज इट इज चल जाती है और एज इट इज चल जाती है, तो इसीलिए जो इंडिया की करेंसी थी वो नेपाल में वहां पे बहुत पड़ी हुई थी, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इंडिया में तो करेंसी चेंज हो गई लेकिन जो इंडिया की करेंसी नेपाल में पड़ी हुई थी वो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने वापस नहीं ली है और ऐसा अनुमान है कि 3.6 करोड़ के अप्रोक्स इंडियन करेंसी नेपाल में पड़ी हुई है और नेपाल गवर्नमेंट बार बार ये कोशिश कर रही है कि उस करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट वापस ले ले, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसीलिए नेपाल ने अब क्या किया है कि इंडिया के जो बड़े नोट हैं उनको बैन कर दिया है। अब नेपाल ने बैन किया है तो आप मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। अच्छा, नेपाल में एक हिमालयन हाइड्रो एक्सपो का आयोजन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाता है, अभी रिसेंटली नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। अच्छा, नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। अच्छा, यहाँ पे करेंसी की बात चल रही है क्योंकि इंडिया की करेंसी को बैन किया है, तो इंडिया में जैसे मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से नेपाल में मेन बैंक कौन सा है, तो नेपाल में है नेपाल राष्ट्र बैंक। क्या है, नेपाल राष्ट्र बैंक। उसी ने ये डिसीजन लिया है कि अब इंडिया के बड़े नोट नेपाल में नहीं चलेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने प्रहरी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक प्रहरी योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अपराध को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये प्रहरी योजना शुरू की है। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने शुरू की है तो दिल्ली के पुलिस आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं अमूल्य पटनायक और इन्होंने ही इस प्रहरी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गीता महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मॉरिशस ने गीता महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये गीता महोत्सव लिखा देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। अभी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था, अभी दिसंबर में आयोजित किया गया था और हरियाणा में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, हरियाणा में। और अब मॉरिशस ने घोषणा की है कि मॉरिशस में गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब मॉरिशस में किया जाएगा तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, पी जगनॉथ। तो इतना आप मॉरिशस के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने खाली कंटेनर के परिवहन पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने जो खाली कंटेनर होते हैं उनकी ढुलाई पर 25% की छूट प्रदान की है, यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडियन रेलवे ने ये खाली कंटेनर की ढुलाई पर ये छूट क्यों दी है? आप जानते हैं बंदरगाहों पर कंटेनर लोड होते हैं, तो बंदरगाहों तक खाली कंटेनर कैसे पहुंचे? अब इसके लिए रेलवे का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, रेलवे के थ्रू उन कंटेनर को पहुंचाया जाए, जिससे कि रेलवे का रेवेन्यू जनरेट हो। इसलिए रेलवे ने क्या कोशिश की है कि खाली कंटेनर की ढुलाई पर भी 25% की छूट दे दी है। अब ये छूट दी है इंडियन रेलवे ने। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFK में किस फिल्म को सुवर्ण चक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में IFFK के 23वें संस्करण में डार्क रूम फिल्म को सुवर्ण चक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक कर रहा होगा कि IFFK क्या है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला इसकी फुल फॉर्म है, और इसका अभी हाल ही में 23वां संस्करण आयोजित किया गया है, और इसमें डार्क रूम नाम की मूवी को सुवर्ण चक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको इस डार्क रूम मूवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या है, दुर्व्यवहार को कैसे पहचाने, एक माता पिता की ये कहानी है, वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि दुर्व्यवहार को कैसे पहचाने, इस पर ही पूरी मूवी आधारित है, और इस मूवी को IFFK के 23वें संस्करण में सुवर्ण चक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्फोटक जांच पर पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो विस्फोटक की जांच पर पहली कार्यशाला अभी हाल ही में पुणे में आयोजित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओबोपे ने फेडरल बैंक और किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में ओबोपे ने फेडरल बैंक और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है ओबोपे। क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, और इसने अभी हाल ही में फेडरल बैंक और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 4 बड़े पेमेंट बैंक हैं, उनके नाम क्या क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, और अब आइडिया को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है। लेकिन 4 बड़े पेमेंट बैंक यही है, एयरटेल, पेटीएम, इंडिया पोस्ट और फिनो पेमेंट बैंक। तो इनमें से अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संकट प्रबंधन योजना तैयार की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने संकट प्रबंधन योजना तैयार की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये तैयार क्यों की है? तो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने ये संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। अच्छा, साइबर क्राइम से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रिसेंटली, हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया था, और क्या नाम था उस ट्विटर हैंडल का? साइबर दोस्त। तो साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने एक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया था, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। ट्विटर अकाउंट का नाम क्या था? साइबर दोस्त। और अब ये भारत सरकार ने संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेक्स टॉर्शन पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में सेक्स टॉर्शन पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म क्या है सेक्स टॉर्शन? आप जानते हैं आजकल ऑफिस में महिलाओं का यौन शोषण होता है, बहुत अभी मी टू बहुत मूवमेंट चला था, मी टू मूवमेंट इसी पर बेस्ड था, महिलाओं के यौन शोषण पे। हर ऑफिस में जितनी भी बड़ी बड़ी ऑफिस हैं महिलाओं का शोषण होता है, यौन शोषण होता है। तो इस पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर पहला राज्य बना है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है।
लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किसने आयोजित किए हैं? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स आयोजित किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूरे इंडिया की जो महिलाएं हैं उनमें जो महिलाएं स्ट्रगल करती हैं और उन्होंने स्ट्रगल करके कुछ न कुछ अचीव किया है या कुछ न कुछ अच्छा ऐसा इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी पे जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, तो उन महिलाओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाने के लिए विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स आयोजित किए हैं नीति आयोग ने। अब नीति आयोग का नाम आया है तो मैंने आपको कई बार नीति आयोग के बारे में बताया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और एक और क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से कि प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के सीईओ हैं। इतना आप नीति आयोग के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकारिता एआई परियोजना की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने पत्रकारिता एआई परियोजना की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गूगल न्यूज इनिशिएटिव का ये हिस्सा है पत्रकारिता एआई, यानी कि पत्रकारिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और उसे कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए है ये पत्रकारिता एआई परियोजना और इसकी घोषणा अभी गूगल ने की है। अच्छा, गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई प्रेजेंट टाइम पे गूगल के सीईओ हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ब्रजेंद्र पाल सिंह अभी हाल ही में एफटीआईआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।